हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मी एंड माय डीआईवाई चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वाव साइंस का आप होममेड उबटन फेस वॉश कैसे बना सकते हो। अब आप बोलोगे कि क्या इसको घर पर बनाना पॉसिबल है? जी हाँ, आप वाव साइंस के जितने भी प्रोडक्ट है आप उनको घर पर बना सकते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी केमिकल नहीं होते। जब इसके अंदर केमिकल नहीं है तो क्यों ना आप इन्हें घर पर बनाइए और ट्राई करके जरूर यूज कीजिए। जब हम मार्केट में इन प्रोडक्ट को लेने जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं, हमारा पूरा बजट हिला देते हैं। और जो ये उबटन फेस वॉश है मार्केट में इतना ज्यादा महंगा आता है, तो क्यों ना आप इस प्रोडक्ट को अपने घर पर बना सकते हैं, एकदम हूबहू आप बना सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। तो कैसे बनाना है, कितने टाइम तक स्टोर करके रखना है, क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है, और वीडियो के एंड तक आप जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज है। तो वो सरप्राइज जानने के लिए आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो आप कर दो, सब्सक्रिप्शन आप सभी के लिए फ्री है। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको यहीं से तो मिलेगी। और हाँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो इतना तो आप कर ही दीजिए मेरे लिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इस फेस वॉश को अपने घर पर बना सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको एक क्लीन बाउल लेना है और उसके अंदर ऐड करना है बेसन। अब आप बोलोगे क्या उबटन फेस वॉश के अंदर बेसन ऐड है? हाँ, आप सारे इंग्रेडिएंट भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इनके सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से चेकआउट करने के बाद ही आपको ये फेस वॉश मैं रिकमेंड कर रही हूँ। तो करीबन 2 चम्मच आपको क्या करना है, इसके अंदर बेसन को ऐड कर देना है। अगेन अब नेक्स्ट चीज क्या ऐड करनी है, अब आपको यहाँ पर ऐड करनी है हल्दी पाउडर। सबसे मेन बात, हल्दी में आपको ये ध्यान रखना है, जो कलर वाली हल्दी होती है, आर्टिफिशियल हल्दी, वो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी, क्योंकि उस हल्दी में सिर्फ और सिर्फ कलर होता है, बाकी उसमें कोई काम का मटेरियल नहीं होता। जो गांठ वाली हल्दी होती है आप उसे यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसी हल्दी लेना है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि ये एकदम रियल हल्दी है। तो मेक श्योर हल्दी आपकी एकदम अच्छी होनी ही चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज ऐड करनी है वो है क्या, जो वाव साइंस का उबटन फेस वॉश है उसके अंदर नेक्स्ट चीज ऐड हुई है सैंडलवुड पाउडर। इसका मतलब चंदन पाउडर का यूज किया हुआ है। अब आप बोलोगे कि चंदन पाउडर तो हमारे घरों में इजीली अवेलेबल नहीं होता, क्या हमें मार्केट से लाने की जरूरत होगी? हाँ, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप मुल्तानी पाउडर लेके आओगे तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। मुल्तानी पाउडर जनरली हमारे घरों में इजीली अवेलेबल रहता है, तो आप यहाँ पर चंदन पाउडर की जगह मुल्तानी पाउडर को भी ऐड कर सकते हो। वैसे तो ये दोनों ही अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चंदन पाउडर को ऐड किया हुआ है। तो ये दोनों ही हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगे आप उसे ऐड कर सकते हो। या तो सैंडलवुड पाउडर ऐड कर दीजिए या फिर मुल्तानी पाउडर को ऐड कर देना है। अब आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। अब आप बोलोगे कि फेस वॉश बन के रेडी हो गया है? नहीं, ये अभी हमारा फेस वॉश का सिर्फ बेस रेडी हुआ है, इसी से तो हम आगे अपना पूरा फेस वॉश कंप्लीट करेंगे। कैसे बनाना है पूरा अच्छे से मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। इस प्रोसेस से क्या होगा, आप इसको हमेशा के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, आपको बार बार फेस वॉश बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप वन टाइम पे जितना बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक क्लीन कंटेनर के अंदर इसे फिल करके रख लेना है। उससे पहले जो गुड न्यूज की बात कर रही थी, जिस सरप्राइज की मैं बात कर रही थी, उस सरप्राइज को मैं कब रिवील करूंगी, कब ओपन करूंगी, उसके सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है। उसके लिए आप सभी को एक अच्छा सा नीचे कमेंट करना होगा और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना होगा, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर ही वो सरप्राइज के बारे में रिवील करूंगी। तो इसलिए आप दोनों काम फटाफट से कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, एयर टाइट कंटेनर में आपने रख लिया है। अब जो फेस वॉश का बेस रेडी हो गया है, अब हम इससे अपना फेस वॉश रेडी करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमेशा बोलती हूँ, जितना क्लीन आपका बाउल होगा उतनी ही आपकी रेमेडी अच्छी बनेगी। मतलब आपको एक क्लीन बाउल लेना है, उसके अंदर जितनी अमाउंट में आपको फेस वॉश की रिक्वायरमेंट है उतना आप डाल लीजिए। करीबन 1 से 1.5 चम्मच सफिशियंट होता है हमारे पूरे फेस को अच्छे से फेस वॉश करने के लिए। उसके बाद जो वाव साइंस के अंदर इसमें ऐड थे, उस प्रोडक्ट के अंदर और भी जो मटेरियल थे वो था विटामिन ई ऑयल। तो यहाँ पर आपको क्या ऐड करना है, विटामिन ई ऑयल ऐड करना है। विटामिन ई ऑयल ऐड करने के बाद कुछ बूंदे आपको बादाम तेल की भी ऐड करनी है, क्योंकि इसके बाद, इस फेस वॉश के बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ऑयली है तो इन ऑयल की मात्रा आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा ड्राई है तो थोड़ी सी आप ज्यादा भी कर सकते हैं। कस्टमाइज करके आपका परफेक्ट फेस वॉश रेडी हो जाएगा।
अब आपको क्या करना है, इसके अंदर और भी चीजें ऐड थी, जैसे एलोवेरा जेल थी, आप एलोवेरा जेल को भी ऐड कर सकते हैं या फिर ग्लिसरीन को भी ऐड कर सकते हैं। विटामिन ई ऑयल मैंने आपको बता रखा है कि होममेड विटामिन ई ऑयल कैसे बना सकते हैं, ग्लिसरीन भी मैंने आपको बता रखा है आप होममेड कैसे बना सकते हैं, तो दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब आपको क्या ऐड करना है इसके अंदर, इसको बाइंड अप करने के लिए आपको यहाँ पर रॉ मिल्क का यूज करना है। अगर आपकी स्किन पे रॉ मिल्क यूज नहीं होता, मतलब अच्छे से वर्क नहीं करता, तो सिंपल रोज वाटर ऐड कर सकते हैं, वो भी यूज ना करना चाहे तो सिंपल पानी को भी ऐड कर सकते हैं, और उसे भी यूज नहीं करना तो दही तो आप यूज कर ही सकते हैं, अपने घरों के अंदर इजीली अवेलेबल रहता है। तो चारों में से जो चीज आपको पसंद आए, और अभी तक आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज उसे भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ उसकी वीडियो भी एंजॉय कीजिए। चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आपको उसके अंदर ऐड कर देनी और एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेना है। अब ये पेस्ट आपको ना ज्यादा बहुत ही पतला होना चाहिए, ना ही बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, एक अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर वाला पेस्ट आपका रेडी हो जाना चाहिए। अब बेसिकली आपका जो फेस वॉश है वो रेडी हो गया है। काफी लोग अब मुझे ये भी बोलेंगे कि इसके अंदर कोई फेस वॉश वाली कंसिस्टेंसी, झाग वाली कंसिस्टेंसी तो आई नहीं, तो उसके लिए भी आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप फॉर्मिंग जेल यूज कर लीजिए जिससे उसके अंदर झाग वाली कंसिस्टेंसी आ जाएगी। बट यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना है, जब आप किचन वाली हल्दी लेते हो तो वहां पर आपको हल्दी को यूज नहीं करना, अगर आप हर्बल हल्दी लेते हो तो वहां पर आप फॉर्मिंग जेल को ऐड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हल्दी सोप के साथ रिएक्ट करती है, उसकी केमिकल प्रोसेस होता है, तो उससे थोड़ा सा आपको बचकर रहना है। तो हल्दी जब यूज करें तो हर्बल यूज करें, फॉर्मिंग जेल जब आप यूज करते हो तो वो झाग वाली कंसिस्टेंसी भी आपके फेस वॉश के अंदर आ जाएगी। बट मैं आपको बोलूंगी इसको इसी तरह से यूज करना, बहुत अच्छा सा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। क्यों शादियों में दूल्हा दुल्हन को ये लगाया जाता है, उपटन क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उनकी सुंदरता को निखारने के लिए। तो ये फेस वॉश भी वैसे ही वर्क करेगा, सिंपल तरीके से यूज करो, 100% रिजल्ट मिलेगा, काफी ज्यादा बहुत बहुत अच्छा फेस वॉश आपकी स्किन पे वर्क करता है, बेसिकली ऑल स्किन टाइप पे इजिली वर्क करता है। और भी ज्यादा चीजें ऐड करना चाहो, जैसे टमाटर का जूस भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, अगर आपको टमाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अब इसको इस्तेमाल कब करना है, इस्तेमाल करने का तरीका सिंपल वैसा ही है जैसे हम नॉर्मल फेस वॉश को अप्लाई करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको इसे अप्लाई करना है, फिर आपको अपना फेस वॉश कर लेना, मतलब सिंपल पानी से अपना मुंह धो लेना है। रिजल्ट आपको देखते ही देखते दिख जाएगा, कितने टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में फिल करके रखा था उसको तो आप बहुत टाइम तक रख सकते हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दो, कभी खराब होगा ही नहीं। और जो जब आप यूज करने के लिए फेस वॉश बनाते हो तो आप इतना ही क्वांटिटी में बनाए जितना आपका एक टाइम पे यूज हो जाए, या फिर आप पूरे डे का बना के रख लीजिए, मॉर्निंग में यूज कर लीजिए और नाइट में यूज कर लीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस था, और सरप्राइज के बारे में तो आपको याद ही है, उसकी कंडीशन भी याद है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके फटाफट से बता दो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।